8 रिलायंस मेड सिटी लाइव लोकेशन पे खड़े हैं, और ये दिखाना चाह रहा हूँ कि ये जो बिल्डिंग सामने देखो यहाँ पे बिल्कुल ऑलमोस्ट डन कंडीशन में है, और एसी भी इंस्टॉल हो चुके हैं। क्योंकि ये मैं क्या दिखाना चाह रहा हूँ, एसी इंस्टॉल होने का मतलब पार्टीज बस शिफ्ट होने के कगार पे हैं। और सेकंड, कमर्शियल की जहाँ तक बात थी, वो एक कमी थी जो कि दूर हो चुकी है। कमर्शियल भी लॉन्च होने वाले हैं, KFC बहुत सारे बड़े बड़े आउटलेट्स यहाँ खुलने जा रहे हैं। तो रिलायंस मेड सिटी में आने वाले, अगर हम बात करें, मुकेश अंबानी को बहुत जल्दी डेवलपमेंट करनी चाहिए, और वो कर रहे हैं। और यहाँ पे जो कोई बोलता था कि यहाँ पे लोअर क्लास लोग आएंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। बहुत ज़्यादा लोगों को ज़रूरत है एक सस्ती रेंज में फ्लोर मिलना, जो कि यहाँ पे ज़मीन सस्ती होने के कारण, अब तो खैर रिलायंस मेड सिटी में कुछ भी सस्ता नहीं रह गया। 80,000 का रेट है, रिलायंस इसको कभी रोकने वाला हाँ थोड़ा सा गैप आ सकता है, जिस दिन कमर्शियल अच्छी तरह बसावट हो गई यहाँ पे, उस दिन इसका रेट आगे बढ़ेगा, कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती। शॉर्ट टर्म सेल डाउन अब चल सकती है, पर लॉन्ग टर्म रिलायंस में डेफिनेटली सेल बढ़ेगी। अभी अगर प्लॉट लेके रखना है तो रख लो, क्योंकि रिलायंस जितना बड़ा साम्राज्य किसी के पास नहीं है, इतनी बड़ी जो। और सबसे बड़ी बात, गुड़गांव में रेट पहुंच चुका है 130 का, अगर यहाँ पे ये 1 लाख करता है तो वहाँ तब तक रेट पहुंच चुका होगा 2-2.5 लाख रुपये। और मेन द्वारका एक्सप्रेस वे पे तो आज भी 2 से 2.5 लाख रुपये के बीच में है। तो इन दिस वे रिलायंस मेड सिटी काफ़ी कम रेट पे अभी भी प्लॉट दे रहा है, 80,000 रुपये। थोड़ा सा टाइम के लिए सेल रुकती है हर जगह, अभी थोड़ी सी कम है, बट स्टिल मैं आपको बता दूं, कभी भी रिलायंस में तेजी आ सकती है। इनका एक नई दरियापुर में ये न्यू साइट अपनी लॉन्च करने जा रहे हैं, और मैं शायद थोड़े दिनों में, शायद पॉसिबल बहुत जल्दी से जल्दी आपको वहाँ का भी शूट दिखाऊँगा। और अगर आपको आज भी, मैं सेक्टर 8 में खड़ा हूँ, सेक्टर 2A में कुछ प्लॉट्स हमारे पास आज भी पड़े हैं एट द रेट ऑफ 80, और अगर रीसेल में लेने हैं तो कुछ सस्ते प्लॉट्स भी आ रहे हैं। तो आप कहीं भी 2A में लेना चाहते हैं, सेक्टर 8 में तो अब रीसेल में ही अवेलेबल है। हाँ, K ब्लॉक में हमारे पास कुछ इन्वेंट्रीज, ई ब्लॉक में कुछ इन्वेंट्रीज जरूर फ्रेश की पड़ी है। तो रिलायंस ही एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो 10% दे के सीधा BBA बनाती है, और आप प्लॉट डायरेक्टली लोन ले सकते हैं। 10% पेमेंट देने के बाद लोन लेने का ऑप्शन सिर्फ रिलायंस में है, बाकी सब प्रोजेक्ट्स में, क्योंकि पूरा वाइट का प्रोजेक्ट है तो लोन आसानी से मिल जाता है। सो मेरा ऊपर नंबर फ्लैश है, अभी भी अगर आपको रिलायंस में एक प्लॉट की ज़रूरत है तो फ़ोन करो, आने की ज़रूरत नहीं है, वर्ल्ड के किसी भी कोने में हो, देयर इज़ नो नीड टू कम, प्लॉट आपका हो जाएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।